जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं और एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं। मतलब प्रोडक्ट वापस ऑनलाइन ही है और इसी को रिव्यू करते हैं। तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी कोलाजन को लेकर। कोलाजन बेसिकली मैंने पलक नोट्स का रिव्यू किया था, अभी ये वाला देखते हैं ओजीवा का। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो वो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो भी पलक नोट्स वाली देख सकते हो, जो उनका कोलाजन है और इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो देखोगे तो पता चल जाएगा। आइए सिर्फ पहले इसी प्रोडक्ट से ही शुरू करते हैं। तो ये ओजीवा का प्लांट बेस्ड कोलाजन पाउडर है। तो कोलाजन जो रहते हैं वो दो तरीके का आता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है और वेजिटेरियन होता है। तो बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो प्योर कोलाजन है, मतलब प्योर इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ वो कोलाजन ही है डायरेक्ट। मतलब आप उसे डायरेक्ट खाओगे तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और वो कोलाजन के रूप में ही आपकी बॉडी में लगता है। जहाँ पर भी कोलाजन की ज़रूरत होती है तो बॉडी उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेती है, थोड़ा प्रोसेस करने के बाद, मतलब जो भी ब्रेक डाउन करने के बाद। वो नॉन वेज वाले कोलाजन पाउडर होते हैं और उनकी टैबलेट्स और कैप्सूल्स भी आती हैं। ये जो है ये कोलाजन जो वेजिटेरियन वाला है, ये बेसिकली डायरेक्ट कोलाजन नहीं रहता। ये आपकी बॉडी को एक तरीके का, जब आप इसे खाते हो तो बॉडी को एक तरीके का माहौल मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई जो चीज़ कोलाजन बॉडी में बनाने के लिए चाहिए वो चीज़ें बढ़िया मात्रा में आ रही हैं। तो बॉडी को एक इंडिकेशन मिलता है कि आप कोलाजन बनाना शुरू करो, तो बॉडी फिर खुद कोलाजन बनाना शुरू करती है। डायरेक्ट ये कोलाजन नहीं है, ठीक है। ये तो नाम भी आप देखोगे कोलाजन बिल्डर, बिल्ड करता है आपकी बॉडी में कोलाजन को, ठीक है। तो इसमें फ्रंट जैसे हम करते ही हैं रिव्यू, तो पहला फ्रंट देखते हैं इसको थोड़ा मुझे, ठीक है। तो ऐसे में इस क्लियर दिख रहा है। तो फॉर यूथफुल रेडियंट स्किन एंड एंटी एजिंग। तो इसमें जो विटामिन सी है 40 mg है, 70 mg 70 mg सिलिका है, 630 μg बायोटिन है। तो ये किस रेशो में है, मतलब 10 ग्राम में है या 5 ग्राम में या 100 ग्राम है, ये अभी आगे देखेंगे। तो अच्छा, इसके साथ इन्होंने कुछ फेस वॉश भी, अभी कुछ ऑफर चल रहा होगा तो इनर ग्लो फेस वॉश भी इसके साथ फ्री है, तो वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो अभी ये जो नया वाला कोलाजन है ये कुछ ऐसा है, पुराना वाला ऐसा था। तो यहाँ पैकेजिंग दिखाई भी है, कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सर्विंग साइज़ है 2 स्कूप की, मतलब 6 ग्राम। तो एक स्कूप 3 ग्राम का हुआ, तो 6 ग्राम की इसमें एक स्कूप होगी और 42 सर्विंग्स बन सकती है, मतलब एक महीने के से ज़्यादा चलेगा, 40 दिन तक चल सकता है ये आराम से। और इसमें हमने एक चीज़ नहीं देखी, ये बॉक्स कितना ग्राम का है या मिलीग्राम या जो भी ग्राम का ही होगा, इसमें कुछ लिखा नहीं है, अभी आगे आएगा शायद। तो 6 ग्राम आपको लेना है, तो 6 ग्राम के हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं और 100 ग्राम के हिसाब से भी दिए हुए हैं। तो न्यूट्रिएंट हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिकली हमें तो मेन काम है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्रोज नहीं देखने कि प्रोटीन फैट और कार्ब्स कितने, हमें देखना है कि भाई कोलाजन बिल्ड करने वाली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बायोटिन है जो 6 ग्राम, मतलब 6 ग्राम एक 2 स्कूप में बताया हुआ है, तो 15 माइक्रोग्राम है जो कि 50% आपकी डेली नीड की हिसाब से है। और सिलिका है, सिलिका इसमें 70 mg है मिलीग्राम, सोडियम जो है वो 38 mg है, पोटेशियम 0.20 mg है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो बायोटिन, विटामिन सी और सिलिका। सिलिका मैं आपको बता देता हूँ, सिलिका एक तरीके का हमारी बॉडी में, मतलब ट्रेस मिनरल के कैटेगरी के अंडर ही आता है और कोलाजन बिल्ड करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। इवन होम्योपैथी में भी ये सिलिका दिया जाता है। और अभी एक रिसर्च के अनुसार पता चला था कि जिन लेडीज़ को, मतलब वो जो NCBI वाले कुछ स्टडी होती है, तो उसमें आई हुई थी ये रिपोर्ट कि जिन्होंने 10 mg रोज़ सिलिका लिया था उनकी जो स्किन थी वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगी थी जो पहले थी। तो इसमें जो सिलिका है वो 70 mg है 6 ग्राम के स्कूप में, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब देखते हैं जो मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंग्रेडिएंट्स में प्रो कोलाजन ब्लेंड 2.3 ग्राम। तो ये ऐसे डिवाइड है, ये मतलब 6 ग्राम का 2 स्कूप है ना, मतलब एक सर्विंग हम बोलेंगे, 6 ग्राम की एक सर्विंग है, तो एक सर्विंग में 6 ग्राम की है। तो जो प्रो कोलाजन ब्लेंड है जो कोलाजन के लिए काम करेगा वो है 2.3 ग्राम। एंटी एजिंग ब्लेंड है जो आपको जवान रखेगा और वो है 2.2 ग्राम। और कोलाजन विटामिन ब्लेंड है जो 1.5 ग्राम। तो प्रो कोलाजन ब्लेंड देखते हैं, प्रो मतलब जो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट कोलाजन को बिल्ड करने में हेल्प करती है बॉडी में। तो पहला है गुआवा पाउडर, तो मैं जो भी होगा हल्का हल्का समझाता जाऊँगा। गुआवा पाउडर आपको पता है अमरूद का पाउडर होगा, सी बकथॉर्न ये एक तरीके की छोटी सी झाड़ होती है, इसमें अपने ये श्रब होती है सॉरी, और इसमें जो पत्ते होते हैं इसके, फ्रूट्स होते हैं, हर चीज़ यूज़ की जाती है
तो ये भी, और इसको भी स्टडी में पाया गया था कि ये यूज़ होती है कोलाजन के लिए, तो शायद ये पुलक नोट्स वाले प्रोडक्ट में भी ये था, सी बकथॉर्न आप देख सकते हैं। तीसरा है लेमन पाउडर, तो लेमन हमें पता ही है, लेमन पाउडर जो रहता है विटामिन सी का सोर्स है, और लेमन पाउडर क्यों ही डाला है, विटामिन सी डायरेक्ट एस्कॉर्बिक एसिड क्यों नहीं डाला हुआ, क्योंकि जो लेमन होता है जो कुदरत का विटामिन सी है दोस्तों, उसमें क्या रहता है, उसमें बायोफ्लेनॉइड्स होते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में कभी टॉपिक बनाऊंगा। मतलब कुदरत ने एकदम तरीके से चीज़ों को बनाया हुआ है, हम इंसान विटामिन सी बना लें, 500 mg खा लें, 1 ग्राम रोज़ खा लें, 1000 mg खा लें, वो फ़ायदा नहीं करेगी जो एक नींबू कर देगा, क्योंकि कुदरत वाली चीज़ है ना, वो खुद ही अपने एक रेशो में बनी हुई है। अब लोगों ने, साइंटिस्ट ने वो चीज़ को देखा, पढ़ा, समझा, अब वो भी एक ऐसा सप्लीमेंट बनाने लगे हैं जो विटामिन सी विद बायोफ्लेनोइड्स के साथ आने लग गई है, तो अब कुदरत को कॉपी करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ हम यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसलिए ये जो विटामिन सी इतनी सस्ती आती है 15-20 रुपए की, जो असली अगर बायोफ्लेनोइड्स वाली खाओगे ना दोस्तों, तो वो 300-600 रुपए की आती है, उससे बेहतर आप ये अमरूद और ये खाओ, संतरे। चलिए चौथा देखते हैं, रोज़ पेटल गुलाब की जो पत्तियाँ रहती हैं, ऑरेंज जूस है इसमें, स्पिनिच पाउडर है, पालक का पाउडर है, पिंक सॉल्ट है, स्प्रिलिना पाउडर है, बार्ले ग्रास पाउडर है, आंवला पाउडर है, होली बेजिल पाउडर है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो ये सारी आप देख सकते हैं विटामिन सी और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग वाली चीज़ें भी, में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, भले ये प्रो कोलाजन ब्लेंड के अंदर है। उसके बाद आते हैं एंटी एजिंग ब्लेंड में, यहाँ पे पोमेग्रेनेट पाउडर है, अनार के दानों का पाउडर, स्ट्रॉबेरी पाउडर है, लेमन पाउडर है, अकाई बेरी है, जिंजर पाउडर है, सौंठ, पिंक सॉल्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, सिनेमन एक्सट्रैक्ट है, दालचीनी, चाय पत्ती, ग्रीन टी, फिर है कोलाजन विटामिन ब्लेंड, जो विटामिन हेल्प करते हैं कोलाजन बिल्ड करने में, तो वापस लेमन पाउडर है, एकिरोला चेरी है, ये जो चेरी लाल वाली वो केक वेक के ऊपर होती है, और सेजबेनिया अगाटी, ये एक तरीके की झाड़ रहती है, तो इसमें भी ये फूल पत्तियाँ होती है, तो ये भी यूज़ की जाती है, और बेम्बू शूट है, बेम्बू शूट वो जो अभी कैसे समझाऊँ, वो छोटे छोटे जब बांस के उसमें से उनकी छोटी छोटी कलियाँ सी निकलती है ना, उसको उबाल के उसका सूप भी बनाते हैं लोग, खाते पीते हैं। तो आप देखो यार, ये टोटल जो चीज़ें हैं ना, हमारे दिनचर्या के खाने की चीज़ें, और ये हर उसमें मिलती हैं, अगर हम अपना लाइफस्टाइल, मैं हर बार बोलता हूँ लाइफस्टाइल ठीक रखोगे, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी आप सब इनका एक ब्लेंड खा रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हैं, और यहाँ बताया गया है कि मेड इन अ फैसिलिटी दैट ऑल्सो प्रोसेस सोया पीनट्स वीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये उनके लिए बताते हैं कि जिनको जैसे ग्लूटेन की एलर्जी है, या सोया से एलर्जी है, या मूंगफली से भी लोगों को एलर्जी होती है, तो भाई आप देख समझ के खाना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ ये बने बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ये वहाँ बनाया हुआ है जहाँ ये चीज़ें भी, इन चीज़ों को भी बनाया जाता है, जैसे पीनट्स का कुछ पीनट बटर बन रहा हो, और जैसे सोया सोया का आइसोलेट पाउडर बन रहा हो, वीट का कुछ प्रोडक्ट बन रहा हो, या मिल्क का कोई वे प्रोटीन बन रहा हो, तो उसी मतलब एक तस्तरी जैसे समझ लो, एक थाली है, एक थाली में पहले मूंगफली लेके गए मशीन में डालने के लिए, उसी थाली में फिर क्या लेकर गए, आपका एक कोलाजन के लिए बनाने के लिए सामान डाल के उसी थाली में ले गए, तो वो कुछ अंश थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो जो बिल्कुल एक ऐसे होते हैं मतलब सूंघ भी लिया पीनट या मूंगफली तो उनको एलर्जी हो गई, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो ये था, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा इन्होंने बताया, 8 एंटी एजिंग, 10 प्रो कोलाजन सुपर फूड, 3 होल फूड विटामिन एक्सट्रैक्ट, तो हमने देख लिया है कि एक ही चीज़ को 3 बार ये रिपीट कर देते हैं, लेमन पाउडर सब में पड़ा हुआ है, ठीक है, विटामिन सी का ही सब में वो डाल रखा है इन लोगों ने, तो लेकिन वो है कि ये कॉम्बिनेशन में बनाई हुई है चीज़ें, और इसमें क्या है, कंज्यूम रेगुलरली 2 स्कूप इन वाटर, आपको रोज़ इसको लेना है, 2 स्कूप मतलब 6 ग्राम एक सर्विंग, और फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने तक खाना है इसको, ठीक है, ऐसा कंपनी कहती है। उसके बाद फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोलाजन बिल्डर, प्लांट बेस्ड है तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के होते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो ये वेजिटेरियन के भी ऊपर है, प्लांट बेस्ड है। यूथफुल स्किन खा के क्या होगा, अब यूथफुल स्किन आएगी, जवान जैसे चेहरा हो जाएगा आपका, रेडियंस आएगा चेहरे में, तेज़ आएगा, एंटी एजिंग, वॉट मेक्स इट बेटर, नॉन जीएमओ, कोई जीएमओ नहीं है, जीएमओ के बारे में मैंने पहले बताया भाई, ग्लूटेन फ्री है, नो प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, वीगन है, सोया फ्री है, और एडेड शुगर कोई भी नहीं है। तो ये इसकी कुछ पैकेजिंग आई है, आइए अब देखते हैं इसके पैसों के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर आते हैं दोस्तों, कोलाजन क्लासिक है, कोलाजन क्लासिक, और ये इनर ग्लो फेस वॉश, ये फ्री नहीं है शायद, इसके साथ है अलग से ले, मतलब कॉम्बो में, कोलाजन बेरी ऑरेंज, इसमें ऑरेंज फ्लेवर आएगा, स्किन विटामिन ओमेगा, कोलाजन क्लासिक है और उसमें ओमेगा मल्टी भी है, ये देखते हैं ये क्या है, पता नहीं जो भी है, तो 250 ग्राम का दोस्तों ये क्लासिक ही देखते हैं, तो 250 ग्राम का दोस्तों ये बॉक्स है, और ये 809 रुपये का है। अच्छा यहाँ पे आप पैसे हम चेक करते हैं, कोलाजन क्लासिक इसका तो यहाँ पे पैसा नहीं आया, तो सिर्फ यही है कोलाजन क्लासिक,
तो 809 रुपये का है ये दोस्तों। और अब मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ बची होगी, मैंने सब बताया। बात आती है कि ये फ़ायदा करेगा नहीं करेगा। देखिए सारी चीज़ मैंने बताई इसमें वही है जो हम घर में खाना खाते हैं। अगर वही आप तरीके से खाओगे तो वो भी काम करेगा। अब आपकी डाइट पूरी सही है, फल फ्रूट खाते हो, एक ऊपर से आप एक हल्का सा बूस्ट देना चाहते हो ट्राई करने के लिए, तो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ सेफ़ ही है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो इनमें होता नहीं है। बाकी यहाँ पे वाई इज़ इट अ मस्ट हैव, क्यों इस आपको इसे खाना ही चाहिए, ये तो कंपनी का काम ही होता है बोलने का कि खाओ खाओ खाओ, बहुत दिक्कतें हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप देख सकते हो आपकी बॉडी के अनुसार, अगर आपको ज़रूरत है तो आप खा सकते हो। और इन रिव्यू के चक्कर में मत रहना, आप खाओगे तभी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात होती है, किसी की बात पे नहीं आ सकते। बस एक विश्वास आप कर सकते हो कि जो हम इसके बारे में इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं और पढ़ते हैं, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। मतलब मेरी बात हो गई या किसी और की भी बात हो जो आपको बता दे कि इसमें डाला क्या गया है। कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि बड़ी ख़तरनाक होती है, समझ नहीं आती, तो इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं तो सारी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको देखना है बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो आपको खा के ही पता चलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर लेना, ये कोई सेल चल रही है ऊपर देख लेना, और वीडियोज़ अब आती रहेंगी, थोड़ा गैप हो गया था। और जय हिंद दोस्तों।